विरोधी नीतीश कुमार आप तो देख रहे हैं ना, और बात करते विपक्षी एकता की, मोदी को हराने की। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मदरसा शिक्षकों का नीतीश कुमार पर गुस्सा, मदरसा शिक्षकों का पेमेंट को लेकर, मदरसा में बहाली को लेकर मदरसा शिक्षकों का इतना बुरा हाल हुआ कि अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपके भी दिमाग बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मदरसा शिक्षकों को आपको पता है कि बहाली से हो या फिर मदरसा शिक्षक पेमेंट से लेकर हो, अभी तक नीतीश कुमार ना तो कुछ बोल रहे हैं ना तो किसी को बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका पेमेंट दो। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि मदरसा शिक्षक इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, बहाली से परेशान है, मदरसा शिक्षकों के पेमेंट से परेशान है, क्यों है परेशान। तो पहले आप सही तरीके से वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दूसरा नाम नीतीश कुमार, अय्यार का दूसरा नाम नीतीश कुमार, मक्का का दूसरा नाम नीतीश कुमार, उर्दू विरोधी नीतीश कुमार, मुस्लिम विरोधी नीतीश कुमार आप तो देख रहे हैं ना, और बात करते विपक्षी एकता की, मोदी को हराने की प्लानिंग चल रही है। एक ही औकात हराने की, सब लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है मोदी सरकार में। कौन बोलता है भाई, इनके अलावा कौन बोलता है बताइए आप? नहीं नहीं, कौन बोलता है मुझे बताइए आप? अरे तो विपक्ष वाले मेरे मालिक है क्या? विपक्ष वाले मेरा खुदा है क्या? वीडियो देखने के बाद आपको लगभग समझ में आ गया कि ये जो क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल पूरे की पूरी बात आपको समझ में आ गई कि मदरसा शिक्षक जो हैं या फिर मदरसा शिक्षकों के जो सचिव हों या फिर जितने भी सभी लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है कि मदरसा में अभी तक जनवरी से लेकर लगभग 5-6-7 महीना हो गया, अभी तक बहाली नहीं आई हुई। क्योंकि आपको पता है कि जो मदरसे में बहाली आई थी जनवरी में आई थी कि 2100 से भी ज़्यादा मदरसे में बहाली होगी, बट अभी तक बिहार सरकार ने कुछ नहीं बोला।